साल में बेरोजगारी का सबसे उच्चतम दर अभी हम देख रहे हैं हमारे देश में, और ये बेरोजगारी के कई कारण हैं। नोटबंदी सबसे महत्वपूर्ण कारण था, उसके बाद जीएसटी आया, और जीएसटी और नोटबंदी के कारण हमारे देश के लघु और मध्यम उद्योग जो एमएसएमई कहलाते हैं उनका विनाश शुरू होने लगा। हमारे देश में सबसे ज्यादा रोजगार इस एमएसएमई सेक्टर में होता है, और इन सभी का नतीजा ये रहा है, नोटबंदी, जीएसटी और जो आर्थिक नीतियां मोदी सरकार ने अपनाई है, जो कुछ बड़े बड़े पूंजीपतियों को प्रोत्साहन देते हैं, इसका नतीजा जैसा कि मैंने कहा 45 साल में सबसे उच्चतम दर बेरोजगारी का है। भारत जोड़ो यात्रा में जरूर ध्रुवीकरण के बारे में राहुल जी बोल रहे हैं, बीजेपी सरकार के जिस तरीके से राज्यों का अधिकार छीना गया है और जिस तरीके से केंद्र सरकार सर्वोपरि बन गई है सभी विषयों में, उसके भी खिलाफ वो आवाज उठा रहे हैं। पर मेरा मानना है और उनका भी मानना है कि भारत जोड़ो यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ जो है वो आर्थिक विषमताओं से जुड़ा हुआ है, और हमारे देश में ये आर्थिक विषमताएं बढ़ रही हैं, और ये इनके पीछे बढ़ती हुई महंगाई, बढ़ती हुई बेरोजगारी का दर, गलत तरीके से डिजाइन किया गया और लागू किया गया जीएसटी, और लघु और मध्यम उद्योग जो बंद पड़े हैं राज्यों में, हर एक राज्य में, इसके खिलाफ हम आवाज उठा रहे हैं। तो ये फिल्म जो हम रिलीज कर रहे हैं अभी, ये उचित है कि हम राजस्थान में कर रहे हैं, क्योंकि राजस्थान हमारे देश के पहले सरकार है, पहले राज्य है, राज्य सरकार ने जो किया काम 2 महीने पहले 3 महीने पहले, अशोक गहलोत जी की सरकार ने पहली बार हमारे देश में शहरी रोजगार गारंटी योजना लागू की है। 2005 में जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, पार्लियामेंट में, लोकसभा में और राज्यसभा में महात्मा गांधी नरेगा, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी कानून बना, पारित हुआ, और फरवरी के 2006 से ये महात्मा गांधी नरेगा की शुरुआत हुई। इसकी कड़ी आलोचना हुई, पर जो आलोचक थे तब के आलोचक, हमारे जो अभी प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने पार्लियामेंट में भी इसकी कड़ी आलोचना की, पर आज वो स्वीकारते हैं कि पिछले 3 सालों में अगर राहत मिली है लाखों परिवारों को हर एक राज्य में, वो महात्मा गांधी नरेगा कानून की वजह से मिला। पर महात्मा गांधी नरेगा कानून सिर्फ ग्रामीण इलाकों के लिए है, ग्रामीण परिवारों के लिए है, और शहरी गरीबी, शहरी बेरोजगारी से निपटने के लिए हमारे सरकारों ने ऐसे कदम नहीं उठाए थे पहले। मैं मुबारक देता हूं अशोक गहलोत जी को और उनके सरकार को कि उन्होंने इस सितंबर के महीने में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना लागू की, और हमारे
हमारा अनुभव रहा है, मैं आंकड़े देख रहा था, कई जिले में, उदयपुर मिसाल के तौर से, महिलाओं भारी संख्या में इस योजना का लाभ उठा रही है। तो हमारे देश के सामने कई समस्याएं हैं, कई चुनौतियां हैं, जिसका जिक्र हम भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कर रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा, सामाजिक ध्रुवीकरण, राजनीतिक तानाशाही, संविधान का नजरअंदाज, संवैधानिक संस्थाओं जो कमजोर हो रहे हैं उसके बारे में। पर सबसे महत्वपूर्ण बात भारत जोड़ो यात्रा के संदर्भ में यह है कि आर्थिक विषमताएं बढ़ रही है, राज्यों के बीच विषमताएं बढ़ रही है और गरीब और अमीर के बीच में विषमताएं बढ़ रही है। अमीर अमीर बन रहा है, गरीब गरीब हो रहा है और मध्य वर्ग के लोग दबे हुए हैं। तो इसीलिए इस संदेशा को पहुंचाने के लिए हमने महंगाई पर एक फिल्म बनाया है जो आप देखे हैं। दूसरा फिल्म था राष्ट्रीय एकता के विषय पर, वो भी एक थीम है भारत जोड़ो यात्रा का। और आज तीसरा फिल्म जो हम रिलीज कर रहे हैं वो बेरोजगारी पर है। तो मैं अभी आपको दिखाऊंगा, उसके बाद आपके सवाल होंगे, मैं सवाल का जवाब दूंगा। आज राहुल जी शिमला गए हुए हैं, शपथ ग्रहण सेरेमनी है, समारोह है सुखविंदर सिंह जी का और डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री जी का, वो 1 बजे को है। उसके बाद वो लौटेंगे और शाम के पदयात्रा में वो शामिल होंगे। कल 12 तारीख पूरा दिन महिला भारत जोड़ो यात्रा होगा, महिला पदाधिकारी, महिला कार्यकर्ता, समाज के अलग अलग महिलाएं भारत जोड़ो यात्रा में राहुल जी के साथ चलेंगे। तो फिल्म दिखाएंगे आपको, पहले आप देख सकते हैं। वैसे तो मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, पर पिछले कुछ सालों से मेरे नंबर सॉलिड हो गए। प्रूफ चाहिए? ओके। 45 सालों में सबसे ज्यादा 6.1% की बेरोजगारी, ये तो खुद गवर्नमेंट की एजेंसी NSSO की रिपोर्ट है। 42% यूथ बेरोजगार है, ये CMIE की रिपोर्ट है। और वर्ल्ड बैंक के अनुसार हम दुनिया भर के मुख्य देशों में 28.3% के अनएम्प्लॉयमेंट रेट के साथ बेरोजगारी में नंबर 1 पे हैं। ये नंबर अच्छे नहीं है, लेकिन मेरे जैसे हर फाइनल ईयर के स्टूडेंट को याद है, इसलिए तो नंबर बदले निकला हूं, अपने लिए और अपनी जनरेशन के लिए भी। जब देश पुकारे तो क्यों ना जुड़े, भारत जोड़ो यात्रा, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, हर जवाब मिलने तक, भारत जुड़ने तक। लाख तक
ट्रीटमेंट अस्पतालों में सरकार खर्च करती है, नागरिक खर्च नहीं करता या करती है। ये बहुत महत्वपूर्ण योजना है, आप जानते हैं सरकार ने इसका नाम चिरंजीवी दिया है और केंद्र सरकार ने भी आयुष्मान भारत की घोषणा की थी कुछ साल पहले, पर वो आयुष्मान भारत सिर्फ बीपीएल परिवारों तक सीमित था, पर राजस्थान सरकार की चिरंजीवी योजना सभी परिवारों के लिए उपलब्ध है। इसमें बीपीएल नॉन बीपीएल कोई अंतर नहीं करता इस योजना में। तो चिरंजीवी योजना से और स्वास्थ्य बीमा के कारण मैं समझता हूं ये आर्थिक विषमताओं पर भी इसका काफी गहरा असर पड़ेगा, क्योंकि अगर आज आप आंकड़े देखें, सरकार के आंकड़े देखें, परिवारों का सबसे बड़ा ऋण आज जो लेते हैं परिवार, जो डेट में जाते हैं, जो ऋण लेते हैं, वो स्वास्थ्य खर्च के लिए। हम लोग किसान कर्जा माफी की बात करते हैं, वो किसान बैंकों से पैसा लेते हैं खेती के लिए, वो भी महत्व लगता है, पर सरकार के हर आंकड़े बताते हैं कि पिछले 15 सालों में स्वास्थ्य पर जो खर्च होता है वो परिवारों के ऋण का सबसे महत्वपूर्ण कारण एक है, नंबर वन कारण। और दूसरा कारण तो शिक्षा के लिए एजुकेशन लोन जो लेते हैं परिवार। कल राहुल जी जो कोटा कोचिंग सेंटर है, जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कोटा में करीब 2 लाख बच्चे कोचिंग के लिए आते हैं, विद्यार्थियों की आबादी 2 लाख है, इनमें से करीब 25% राजस्थान के हैं। और राहुल जी की 1 घंटे तक मुलाकात हुई करीब 30-35 बच्चों से, और राजस्थान सरकार की जो योजना थी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब ओबीसी अल्पसंख्यक और ईडब्ल्यूएस बच्चों के लिए जो ट्यूशन फी इन कोचिंग सेंटर में जो काफी भारी होता है वो सरकार की ओर से भरा जाता है, परिवारों को भरा नहीं जाता। तो परिवारों को माता पिता को ऋण लेने की कोई जरूरत नहीं है, बैंक से कोई लोन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो कोचिंग के लिए खर्च होता है वो सरकार देती है। इसी तरह से स्वास्थ्य बीमा में भी इसका ये फायदा है कि 10 लाख तक जो खर्च होगा किसी भी परिवार को सरकारी अस्पताल में वो सरकार खर्च करेगी, परिवार नहीं खर्च करेगी। तो कुछ हद तक जो आर्थिक विषमताएं की बात होती है भारत जोड़ो यात्रा के संदर्भ में, बेरोजगारी के बारे में, और जो स्वास्थ्य खर्च के कारण परिवार ऋण लेते हैं और वो जो कर्जा लेते हैं वो बहुत भारी पड़ जाता है उनके लिए, राजस्थान में इन दोनों मुद्दों पर कार्रवाई की है और मैं राजस्थान सरकार को बधाई देता हूं। हालांकि आज मुख्यमंत्री यहां है नहीं, पर मैं उनको बधाई देता हूं कि उनकी सरकार ने ये 2 कदम उठाए हैं, एक तो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना और दूसरा ये चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। यू सेंड द लिंक टू एवरीबॉडी। हाँ जी, सवाल पूछिए। कल प्रियंका जी आएंगी कि नहीं, पहला सवाल। हाँ, सोनिया जी आएंगी कि नहीं, दूसरा सवाल। आपके सवाल मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूँ यार। कोशिश नहीं है यार, हम एक हैं। भारत जोड़ो यात्रा से नया माहौल आया है, हम एक हैं, एक संगठन के सदस्य हैं। और राहुल जी ने कहा है, मध्य प्रदेश में कहा था, दोनों एसेट हैं हमारे लिए,
संगठन में, केंद्र में और कांग्रेस पार्टी के संगठन में और राज्य सरकार और राज्य के संगठन में भी पीसीसी से लेकर मुख्यमंत्री तक अशोक गहलोत जी रहे हैं। सचिन पायलट युवा है, लोकप्रिय है, ऊर्जावान है, तो दोनों की जरूरत है संगठन को। तो आप जो देख रहे हैं कोई दिखावा नहीं है, ये असलियत है। और अब मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि ये बरकरार रहेगा। अरे आप पत्रकार हो क्या? आप पत्रकार हो? ये पत्रकार सम्मेलन है, आप जाइए प्लीज, आप बाहर जाइए, आप बाहर जाइए प्लीज। हिमाचल में क्या हुआ? नहीं नहीं, हिमाचल में क्या हुआ आप पूरा देख लीजिए ना भाई, उपचुनाव के नतीजे देखिए, हिमाचल देखिए, उड़ीसा देखिए, राजस्थान में देखिए, जो मार्जिन दुगना हुआ है मार्जिन के, राजस्थान के उपचुनाव में, छत्तीसगढ़ के उपचुनाव देखिए। तो सिर्फ गुजरात के चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री बार बार कहते रहते हैं गुजरात में ये हुआ, गुजरात में ये हुआ, और गुजरात में कई कारणवश ये नतीजा हुआ। आप थे मेरे कल की या परसों के प्रेस कॉन्फ्रेंस में? हाँ, आप आ गया है तो मैं दोहराऊंगा। तो तीन या चार कारण है, एक तो गुजरात में कांग्रेस पार्टी एक तीन पार्टी के गठबंधन के खिलाफ लड़ रही थी, एक बीजेपी, आम आदमी पार्टी और एमआईएम। ये इनफॉर्मल एक अलायंस था उनका, इनफॉर्मल गठबंधन था, और आम आदमी पार्टी और एमआईएम का एक ही मकसद था कि कांग्रेस का वोट काटना, और उसमें सफल हुए। 40% वोट हमारा जो था 27% आया है, एक कारण यह है। दूसरा कारण यह है, जो राज्य सरकार की सारी संस्थाएं हैं, केंद्र सरकार की सारी संस्थाएं हैं, वो बीजेपी को मदद करने में लगी हुई थी। हमने इलेक्शन कमीशन के पास कई शिकायतें पेश की, पर हमारी कोई सुनवाई नहीं। और कल आपने देखा होगा इलेक्शन कमीशन का एक निर्णय आया है कि जो अमित शाह का भाषण था, जो बहुत आपत्तिजनक था, उन्होंने कहा है उसमें कोई कारण नहीं है, उसमें कोई आपत्तिजनक बात ही नहीं उन्होंने कही। पर सब लोग ने सुना है, सब लोग ने देखा है कि देश के गृह मंत्री ने भड़काने के लिए, ध्रुवीकरण के लिए क्या कहा। तो दूसरा कारण यह था कि जो संस्थाएं हैं जिसको निष्पक्ष होना है, वो एक पक्ष को समर्थन कर रहे थे। और तीसरा कारण यह है, अगर आप इलेक्शन बॉन्ड के आंकड़े देखें जो चुनाव के पहले निकाले गए थे, अगर बीजेपी और कांग्रेस की तुलना करें, 8 गुना 9 गुना ज्यादा खर्च कर रहा था बीजेपी इस चुनाव प्रचार में। तो हमारे संगठन में कमियां थी, हम इतने आक्रामक नहीं थे जितना हमें होना चाहिए था 2017 के माफिक, जहां हमने बीजेपी को 100 सीटों से भी नीचे रखा दिया था, 99 सीटें मिली थी 2017 में। तो हमें धक्का मिला है, बिल्कुल निराशाजनक है हमारे नजरिए से, पर इसके कारण है। और प्रधानमंत्री सिर्फ गुजरात की बात करते हैं क्योंकि वो ध्यान और अलग दूसरे चुनावों से हटाना चाहते हैं। हिमाचल में उन्होंने 10 रैलियां की, बीजेपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हिमाचल के हैं, बीजेपी के सूचना और प्रसारण मंत्री हिमाचल से हैं, तो उनकी बात तो, हिमाचल की तो बात नहीं करते, और हिमाचल में उनका वोट शेयर 5% गिरा है। तो प्रधानमंत्री कुछ भी कहे पर वो सिर्फ गुजरात की बात करना चाहते हैं। Certainly one initiative. Rajasthan is the first state in India and the only state to start an urban employment guarantee scheme, like the Rural Employment Guarantee Act, which was started by Dr. Manmohan Singh's government in 2006. So this is an important step forward. One of the reasons why states are facing
increasing levels of unemployment, including Rajasthan, is because of the destruction of the MSMEs. MSME has been a very important driver of employment in states like Rajasthan. बड़े बड़े उद्योग तो है नहीं राजस्थान में, और जो छोटे उद्योग हैं, जो लघु उद्योग हैं, जो मध्यम उद्योग हैं, वो नोटबंदी और जीएसटी के कारण बंद होते जा रहे हैं। तो ये एक कारण है, न केवल राजस्थान, पंजाब में भी यही धाप देख रहे हैं, हरियाणा में देख रहे हैं, महाराष्ट्र में, गुजरात में, कर्नाटक में, आंध्र में बड़े बड़े उद्योग हैं जो बंद नहीं हो रहे हैं। उनको उन पर नोटबंदी और जीएसटी का इतना बुरा असर नहीं हुआ है जितना एमएसएमई सेक्टर में हुआ है। तो ये एमएसएमई के कारण राजस्थान जैसे राज्यों को परेशानी, मुसीबत आई है। एक तो ये है, एमएसएमई का बहुत बड़ा कारण है। और ये एमएसएमई, एक मिनट, एमएसएमई जो बंद पड़ रहे, बंद हो रहे हैं, ये केंद्र सरकार की नीतियों से बंद हो पड़ रहे हैं, कोई राज्य सरकार की इसमें कोई भूमिका नहीं है। ये नोटबंदी और जीएसटी दोनों, रुचि नहीं है, गलत है, क्योंकि आज सुबह जब मैं यहाँ आ रहा था, मैं एक अर्थशास्त्री से मिल रहा था जो उदयपुर में काम कर रही है, और उन्होंने कहा कि महिलाओं से काफी बहुत भारी मात्रा में डिमांड आ रही है। पर यह बात सही है कि जो वेज रेट है, जो मजदूरी दर रखा गया है इस रोजगार गारंटी योजना में, और ये बात ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम में भी लागू होता है, जो मार्केट रेट है, मार्केट रेट 500, 550, 600 रुपया मिलता है, पर यहाँ 250 या 300 रुपया मिलता है। ये हर राज्य में यही हमें देखने को मिलता है। पर अभी स्कीम 2 महीने हुए हैं इसका, इसकी घोषणा मैं समझता हूँ, मेरी अगर मुझे याददाश्त सही है तो सितंबर के महीने में किया गया था, तो 3 महीने हुए हैं। पर 3 महीने में उदयपुर जैसे इलाकों में, उदयपुर जैसे शहर में, इलाका छोड़िए, उदयपुर जैसे शहर में महिलाओं से काफी भारी डिमांड आई है। जयपुर में वो आंकड़े अलग हैं, अलग अलग शहरों में अलग अलग डिमांड आएंगे। आप इसको और 6-7 महीने दीजिएगा, तब आपको स्पष्ट पिक्चर निकलेगा। पर ये एक महत्वपूर्ण कदम है, और इसके बारे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने बात की थी, और जो प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार हैं, पीएम्स एडवाइजरी काउंसिल, उन्होंने भी सिफारिश की थी कि शहरी रोजगार गारंटी योजना जरूरी है, और उसके बारे में कुछ कदम नहीं उठाए गए केंद्र सरकार की ओर से, पर राजस्थान सरकार ने ये कदम उठाया है, इसीलिए यह सराहनीय है। फिरा कर चुनाव पर ही आएंगे, ये भारत छोड़ो यात्रा। हाँ बोलिए। हाँ, आपने देखा, हमने एक वीडियो डाला है पिछले 2-3 दिन पहले, राहुल जी एक किसान से मिले जिसका कर्जा माफी हुआ था, और उस कर्जे माफी के नतीजे से उनके परिवार पर क्या असर हुआ, वो बात हुई। वो कोई स्टेज मैनेज्ड इवेंट नहीं था, वो ऐसी ही बात हो रही थी और ये बात उठी, और मुख्यमंत्री भी वहां मौजूद थे। और किसान तो था ना, किसान तो था, कर्जा माफी तो हुई थी। हाँ जी, आयुष्मान भारत सिर्फ बीपीएल परिवारों के लिए है, चिरंजीवी योजना सभी परिवारों के लिए है। जमीन आसमान का फर्क है। यार आप, एक मिनट, मैं आपको विनती करता हूं, आप राजस्थान की राजनीति, राजस्थान की समस्याएं, राजनीति में जो हो रहा है उसके बारे में मुझे मत पूछेगा, मैं भारत छोड़ो यात्रा के बारे में पूछेगा।
मैं कल मुख्यमंत्री को यहाँ पेश करूंगा, आप ये सब सवाल उनसे पूछे। चाहते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा और अक्सर निकालना चाहिए ना? होगा। और सेवा दल के कार्यकर्ता, हमारे पीसीसी के कार्यकर्ता जितना हो सके घर घर जाते हैं। एक ग्रुप, एक टोली चलता है और कुछ कार्यकर्ता घर घर जाते हैं और एक पन्ने का पैम्फलेट देते हैं, भारत जोड़ो यात्रा क्यों निकाला गया है, भारत जोड़ो यात्रा के पीछे क्या मकसद है, इससे क्या फायदा होगा। ये हर राज्य में इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है और यहाँ भी मैंने देखा है हमारे सेवा दल के कार्यकर्ता है दरवाजे दरवाजे खटखटा रहे हैं। जो लोग सड़क पर जा रहे हैं, जो लोग सड़क पर खड़े हुए हैं, उनको भी ये दिया जाता है। ये संगठन की जिम्मेदारी है, ये संदेशा पहुंचाना, घर घर तक पहुंचाना संगठन की जिम्मेदारी होती है। हम तो खटखटा रहे नहीं रहे हर एक दरवाजे पर, हम तो चल रहे हैं, पर हमारे जिले के जो पदाधिकारी है, राज्य के जो पदाधिकारी है, ब्लॉक के जो पदाधिकारी है, वो भारत जोड़ो यात्रा का संदेशा घर घर ले जाएंगे। इसीलिए आप थे नहीं जब मैंने घोषणा की थी, 26 जनवरी से भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा फेज शुरू होगा। उसका नाम है हाथ से हाथ जोड़ो अभियान, और हाथ से हाथ जोड़ो अभियान त्रिस्तरीय अभियान है। बूथ के स्तर पर यात्राएं होंगी, तो भारत जोड़ो यात्रा का संदेशा बूथ तक पहुंचा जाए, ब्लॉक के स्तर पर। दूसरा, जिले के स्तर पर अधिवेशन होंगे कि भारत जोड़ो यात्रा बूंदी जिले में आया था, क्या हुआ, समीक्षा होगी, बातचीत होगी, लोगों को और जानकारी मिलेगी। और राज्य के स्तर पर रैलियां होंगी, बड़े बड़े रैलियां उदयपुर में, अजमेर में, जयपुर में, जोधपुर में। तो ये 26 जनवरी से लेकर 26 मार्च तक 2 महीने के लिए ये अभियान चलाया जाएगा, ताकि भारत जोड़ो यात्रा का एक फॉलोअप हो। मैं कभी नहीं कहता हूं, मैंने कभी दावा नहीं किया है कि भारत जोड़ो यात्रा एक जादू की छड़ी है। कोई जादू की छड़ी नहीं है, ये एक गंभीर प्रयास है। इसको आगे ले चलना संगठन की जिम्मेदारी बनती है। अगर संगठन सक्रिय नहीं है फॉलोअप में, तो हम आए, हम चले, हम बैठे और निकल गए, इसका कोई असर नहीं होने वाला है। इसीलिए हम हाथ से हाथ जोड़ो अभियान 26 जनवरी से लेकर 26 मार्च तक 2 महीने के लिए हर एक राज्य में भारत जोड़ो यात्रा का फॉलोअप के लिए हमने एक विस्तार से एक योजना तैयार की है। सभी ब्लॉक, सभी जिले और सभी राज्य के पदाधिकारी को भेजा गया। नहीं, आज कॉर्नर मीटिंग नहीं है, क्योंकि शिमला गए, वापस आए, कल कांग्रेस, कभी कभी ये हो जाता है यार, लास्ट मिनट में। देखिए, आप हर चीज में राजनीति ढूंढ रहे हैं। मैंने आपको कहा, देखिए, मैंने कहा 10 तारीख को महिला मार्च होगा, वो 10 तारीख को नहीं हुआ, वो 12 को हुआ। आप अभी इसमें क्यों 10 तारीख, अभी 12 तारीख हो गया, क्या है, ये होती रहती है यार, लंबा है इसमें प्रिपरेशन, लास्ट मिनट में बदलाव आ जाता। हमको क्या मालूम था कि सुखविंदर सिंह सुक्खू की शपथ ग्रहण आज होगा,
हमें कल सुबह तक पता नहीं था कि आज 1 बजे मुख्यमंत्री शपथ ले रहे हैं शिमला में। कल का डिटेल महिला पद यात्रा है, आपका भी स्वागत है, पर आप सेवा दल के साथ चल सकते हैं। हो सकता है कल इंतजार थी की जगह माने सोनिया जी, मेरे पास कोई जानकारी नहीं है, और अगर सोनिया जी भी मौजूद होंगी तो 1-1.5 घंटे के लिए, क्योंकि वो कर्नाटक में आई थी, वो 2 घंटे के लिए चली, 1.5 घंटे के लिए चली। क्या प्रियंका जी आएंगी? वो कल, मेरे पास सोनिया जी और प्रियंका जी के बारे में कोई जानकारी नहीं है। हाँ जी, और कोई? हाँ जी।